हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ और हैक शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने घर में और किचन में थोड़े सा एक्स्ट्रा स्पेस बना पाएंगे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। किचन सिंक के छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में फालतू पड़े हुए चीज़ों के साथ आप सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह के बास्केट और इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास जिसमें कर्ड वगैरह आता है। तो चलिए इन सभी को यूज़ करके सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बिस्किट का ट्रे था, इसमें बिस्किट आई थी तो इसमें मैंने कुछ होल्स कर दिए हैं ताकि इसमें अगर मैं स्पॉन्ज वगैरह रखूं तो नीचे से पानी निकल जाए, और साइड में भी मैंने होल किया है ताकि इसको मैं हैंग कर सकूं। इस बास्केट में ऑलरेडी सारे होल्स हैं तो मैं इजीली इसको हैंग कर सकती हूँ। और कुछ डिस्पोजेबल मैं ग्लास यूज़ करूँगी ब्रशेस को रखने के लिए, जैसे कि ये दो डिस्पोजेबल ग्लास मैं यूज़ कर रही हूँ, बस इनको रख दूँगी और इसके ऊपर कुछ ब्रशेस को रख दूँगी। तो ऐसे ही आपके पास फालतू पड़ी हुई चीज़ों के साथ आप सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखिए मैं ये वाला ट्रे यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऑलरेडी होल मैंने कर दिया है, बस इस एडहेसिव हुक में इसको हैंग कर देना है। इसमें 3 डिवाइडर्स दिए हुए हैं तो ईजिली हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस और ब्रशेस एक्सेट्रा। अगेन मैं ब्रश को रखने के लिए डिस्पोजेबल ग्लास को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और एक छोटे से बॉटल में मैंने डिश वॉश लिक्विड को रखा है और एक जगह में स्पॉन्ज रखा है। बेड के साइड में बेड साइड टेबल नहीं है तो इस तरह से एडहेसिव में आप एक छोटा सा बास्केट को हैंग कर सकते हैं और उसमें आपकी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं उसको आप इसमें रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को भी रखती हूँ एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, तो चार्जिंग के लिए भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एक छोटा सा बास्केट यूज़ कीजिए और उसमें एडहेसिव हुक में उसे हैंग कर दें तो चार्जिंग के लिए भी ये काम आ जाएगा। वार्डरोब में ज़्यादा स्पेस के लिए मैं यहाँ पे अपने वार्डरोब के डोर में इस तरह के हुक्स यूज़ करती हूँ। ये हैंगर है, बहुत चीप रेट में मिल जाता है, बस इसमें आप छोटे छोटे से बास्केट को यूज़ कीजिए और अपनी एक्सेसरीज को रख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से बास्केट को यूज़ करने से आपकी सारी चीज़ें सेग्रीगेट रहेंगी और आपको यूज़ करने के टाइम में जब भी आपको ज़रूरत पड़े ये एक जगह में ही मिलेंगी। और इस तरह से मैंने जो हेयर एक्सेसरीज है उनको भी इस यहाँ पर हैंग कर लिया है। वैसे ही कुछ बास्केट को यूज़ करके हेयर बैंड्स रखे हैं और जो कॉम्ब्स वगैरह होती हैं उनको भी एक बास्केट में रख के इन्हें हैंग किया है। ऐसे रखने से वार्डरोब का जो बहुत सारा स्पेस है वो बच जाता है दूसरे चीज़ों को रखने के लिए। जब भी हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है अप्लायंसेस वगैरह को यूज़ करने के लिए, तो इस तरह से हमें स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करना पड़ता है, फिर उसका जो प्लग है उसको लगाना पड़ता है। तो ये बार बार ना करना पड़े इसके लिए आप हमेशा के लिए वहाँ पे एक सॉकेट को लगा के रखें। तो ये सॉकेट हमेशा आपके पास लगा रहेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो बार बार आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम रेडी टू यूज़ रहेगा। इस तरह से मैंने क्या किया है, हर अपने रूम के इलेक्ट्रिक बोर्ड में इसी तरह से सॉकेट को यूज़ किया है ताकि मैं इसे ईजिली यूज़ कर पाऊँ। इस तरह के सॉकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं जिनमें आप एक साथ कई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ही प्लग दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सॉकेट्स हैं तो मैं इजीली यहाँ पे 2-3 मोबाइल को चार्ज कर सकती हूँ। अपने बाथरूम में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए इस तरह से मैंने रॉड लगाया है और उसमें एस हुक यूज़ करके मैं टॉवल्स को हैंग कर देती हूँ। जब भी हम यूज़ करते हैं नहाने के बाद तो टॉवल हम इस तरह से हैंग कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। मॉर्निंग के काम में हमारा काउंटर्स पूरा भरा रहता है, ऐसे में कभी कभी चॉपिंग के लिए हमें स्पेस नहीं मिलता तो अपने रॉड को खोलिए, वहाँ पर अपना चॉपिंग बोर्ड को रखिए और बस अपना काम को कंटिन्यू करिए। ये ना मेरे पास एक टिश्यू होल्डर है, ये ना ऐसी जगह में हम इसे हैंग कर सकते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ये ना ले, जैसे कि हमारे कैबिनेट्स में। तो इस तरह से इसमें अपने टिश्यू पेपर्स को डालना होता है और बस आप उसको क्लोज कर दें, जितना चाहे आप इसमें टिश्यू पेपर को डाल दें और इस तरह से बस इसे क्लोज कर देना है। इसके पीछे मैं हैंग करने का दिया है तो अपने कैबिनेट में इजीली इसे आप हैंग कर सकते हैं। देखिए बिना स्पेस लिए आप इजीली अपने टिश्यू पेपर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
अब जब भी आपको इसे यूज करना हो बस इसे ओपन करिए, टिश्यू पेपर निकालिए जितना चाहे और उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। हैंड ग्लोव्स यूज करने के बाद इस तरह से ना छोड़ें ड्राई करने के लिए, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा ड्राई होने के लिए और दूसरा ऐसे सुखाने से ना ये बहुत जल्दी जल्दी फटने लगता है। तो इसमें आप इस तरह से दोनों को अटैच करने के लिए क्लॉथ पिन को यूज कीजिए और इस तरह से आप टैप में इसे ड्राई कीजिए तो ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। सिंपल से फ्लोर मैट को यूज करूंगी मैं आज, तो मैंने लिया है यहाँ पे दो सेम फ्लोर मैट और इनको मैं तीन साइड से सिल दूंगी अच्छे से। चाहे तो आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं स्विंग मशीन के साथ तो ये और अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया है तीन साइड से और इसे मैं यूज करूंगी अपने लैपटॉप के कवर के लिए। इसको क्लोज करने के लिए आप चेन लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। मैंने सिंपल सा एक सॉल्यूशन निकाला है, ये मेरे पास वेलक्रो टेप है तो बस मैं इसे ऐसे लगा दूंगी तो ये इजिली क्लोज हो जाएगा। अब इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें हैंडल भी बना सकते हैं। अगर आप इसे स्विंग मशीन से स्टिच करेंगे ना तो ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बस इसे हैंग कर लीजिए और आप कहीं से बाहर ले जाना चाहते हैं तभी इसे आप हैंग करके लेके जा सकते हैं। इसमें आप एक हैंडल भी लगा दें तो ये काफी अच्छा मजबूत कवर बनता है। आज के वीडियो के कुछ हैक्स और आइडियाज मेरे पुराने वीडियो से मैंने लिया है ताकि मैं आप लोग को एक साथ जितने भी मेरे अच्छे हैक्स और आइडियाज है आप लोग को एक साथ एक वीडियो में शेयर कर पाऊं। जब भी हम सोफे में बैठते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसे अक्सर होता होगा, सोफा पीछे की तरफ सरक जाता है। तो इसे ऐसा ना हो और हमारी दीवारें खराब ना हो, आपके घर में पड़े हुए रोल्स को आप यूज कीजिए इस तरह से, जितना आपको डिस्टेंस चाहिए उतना ही साइज आप कट करें रोल्स का और बस अपने सोफे के नीचे साइड बैक साइड में आप इस तरह से लगा दें। तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और जब भी आप बैठोगे तो सोफा पीछे की तरफ नहीं सरकेगा और दीवार भी आपकी खराब नहीं होगी। हमारे किचन काउंटर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है जो बहुत ही क्लटर दिखता है और हम इसे डेली यूज भी नहीं करते। इन सारी चीजों को ना आप एक शॉपिंग बैग में डाल दें, चाहे तो आप इसमें लेबलिंग भी कर सकते हैं ताकि आप भूले नहीं कि इस बैग में आपने क्या क्या रखा है। बस अपने किचन में एक जगह बनाइए और इस बैग को रख दीजिए। गर्मियों में प्लांट्स को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कर्टन लगा दिया है, ये ग्रीन कर्टन है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस हमें पुराने कर्टन्स के रिंग चाहिए और मैंने बस इसे रस्सी की हेल्प से ऊपर टंगाया हुआ है तो जब चाहे हम इसे लगा सकते हैं और जब चाहे हटा सकते हैं। वॉशिंग मशीन को बीच बीच में क्लीन करते रहना चाहिए क्योंकि इस तरह से डिटर्जेंट जाके जमा हो जाते हैं और अगर हम इसे क्लीन ना करें तो यही जंग बन के हमारे वॉशिंग मशीन को खराब करने लगते हैं। तो इस तरह से टूथब्रश की हेल्प से आप क्लीन कर दीजिए इसे अच्छे से। जब पूरा अच्छे से पाउडर निकल जाए तो उसमें आप वेट क्लॉथ की हेल्प से उसे क्लीन कर सकते हैं या डायरेक्ट थोड़ा सा पानी डाल के भी आप क्लीन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप डिटर्जेंट पाउडर यूज करने के बजाय लिक्विड यूज करेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये काफी सालों तक चलती रहेगी, क्योंकि जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं ना वही जाके धीरे धीरे जमा होते हैं और वो सीमेंट जैसे बन जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन को खराब कर देते हैं। तो पाउडर के बजाय आप लिक्विड यूज कीजिए और बाहर का जो पोर्शन है उसे आप वेट क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं और अंदर का जो ड्रम है इस तरह से आप ब्रश यूज करके क्लीन कर सकते हैं तो जितने भी गंदगी और धूल डस्ट जमा होता है वो क्लीन हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने आया मेरे चैनल पे प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग।